सर्टेन इंडिविजुअल्स पर इतना डिपेंडेंट है? आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है? आपने कल पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं कि आपके चेंजेस ही तो हो गए, आपको जीतना है, लिमिटेड उतने ही चेंजेस आपकी टीम में हुए हैं। प्रीमियर दो फेसर आपके बाहर गए हैं, हार्दिक आपके बाहर गए हैं, ये आपकी बेंच है। विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना क्या खेला आपने? सुपर गिल एक 23 साल का लड़का खेल रहा है, और ये सूर्य कुमार यादव किस वजह से बंदा वर्ल्ड कप की टीम में? आप ऐसे मैच में जब आप परफॉर्म करोगे जब जस्टिफाई करते हो, नंबर 6 बार बीट हुआ है भाई और 7 वी पे भी वही मार रहा है, शाकिब ने मजाक बना दिया। आज आप स्पिन के अगेंस्ट एक्सपोज हुए नहीं हुए? एक शुभमन गिल 23 साल का लड़का भाई, मुंबई खिलाओ, मुंबई की टीम खिलाओ, ईशान किशन खिलाओ, तिलक वर्मा खिलाओ, सूर्य कुमार खिलाओ, ईशान ओवर के खिलाओ प्लेयर आज स्पिन के अगेंस्ट एक्सपोज हुआ है। आप देख लीजिए स्पिन के अगेंस्ट कैसा प्ले चाहिए होता है, जो शुभमन इनिंग्स ने, जो शुभमन गिल ने इनिंग्स अपनी बिल्ड करी है वो और किसी ने करी है? यार रविंद्र जडेजा आप बैट बॉल से भी हमने देखा यार, बैट से बिल्कुल ही फ्लैट हो गए आप। भाई मुझे बताइए स्काई की टीम में जगह नहीं बनती यार, चिल्ला चिल्ला के घर पर बोला है कि सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती, बुलाओ गंभीर को, बुलाओ गंभीर जो कह रहे थे स्काई की जगह बनती है। हिंदुस्तान बहुत बड़े खलीफे टूर्नामेंट के सबसे चहीते, हम भी यहाँ पे बढ़ के मार रहे थे उस दिन से बैठ के कि जी बांग्लादेश को हराना है, फिर फाइनल, फाइनल तो खैर अभी भी जीत रहे हैं, लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड, यही एटीट्यूड है जिसने पाकिस्तानियों को मरवाया है कि ओवर कॉन्फिडेंस रखो, गुरूर रखो, अपनी चौड़ में चलो, पर्चियां खिलाओ। ये कौन सा मुंबई इंडियंस कोटा है जिसमें सूर्य कुमार यादव यहां पे भी खेल गए और उसके बाद वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे? मुझे कोई सही समझा दे, आज सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग क्या करी है? स्वीप के अलावा कोई शॉट नहीं है कि क्रिकेट में जिस तरीके से बॉलर जो है वो बैटर को सेट करा देता है, आज इन्होंने बॉलर को सेट करवाया है कि अच्छा एक स्वीप मारता हूं तेरे से आउट नहीं हो रहा, फिर स्वीप मारता हूं फिर आउट नहीं हुआ, तीसरा ले चौथा ले जब तक आउट नहीं करेगा सेम ही शॉट मारूंगा। वो एंड में शाकिब भी बेचारा थक गया, उसने बोला ले यार फिर बोल ली हो तू, जब पार्टनरशिप की जरूरत थी बोल्डों के भाई साहब चले गए। रविंद्र जडेजा पूरी टूर्नामेंट में चलने का नाम, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया एकदम से बैटिंग को, एक पार्टनरशिप चाहिए, उल्टे सीधे लप्पे घुमा रहे हो यार। केएल राहुल आज जरूरत थी रन की, रन नहीं आ रहे, ईशान किशन रन नहीं आ रहे, रोहित शर्मा को कुछ बोल नहीं सकते, 350 बना के आए उनका तो बिल्कुल नहीं बनता, शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी तुमने वेस्ट करवा दी, अरे रन से आप हार यार गए। लास्ट में आपको अक्षर पटेल ऑलमोस्ट जिता रहा था भाई, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, कोई बहाना नहीं है कि तुम्हारे 5 प्लेयर चेंज हुए, बांग्लादेश के भी 5 प्लेयर चेंज हुए, तुमसे स्पिन खेली नहीं गई, तंजीम ने तुम्हें नचा के रख दिया। तंजीम तो पेसर है, उसने तो शुरुआत में रोहित को आउट कर दिया, उसके बाद उसको आउट कर दिया, खेली नहीं गई और तंजीम ने भी तुम्हें ऊपर साइड रखो। आपने ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बनना है इस सीरियसनेस के साथ? पहले जब फील्ड में आए थे बिल्कुल ही मत खेलो ना यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मत खेलो, इनके साथ इंटरेस्ट नहीं है, बोल दो बांग्लादेश को यार तुम हमारे लेवल पे नहीं लग रहे, हमें नहीं खेला तुम्हें, क्या मजाक कर रहे हो, नहीं खेले तो ऐसे ही है ना, एरोगेंस दिखाया आपने तभी तो उन्होंने हरवाया तुम्हें, 6 रन से हारे हो आप, लुक एट देम उन्होंने कितना एफर्ट मारा कि नहीं हम जीतेंगे आज, आप देखते फील्ड के अंदर एक एक विकेट के बाद, और आप मजाक ही करे जा रहे हो, जो बंदा आ रहा छक्का मार रहा है क्यों भाई, पार्टनरशिप चाहिए, जो आ रहा छक्का मारने की कोशिश कर रहा है कौन सी एरोगेंस है भाई, ये केएल राहुल 40 बॉलों में 19 मतलब 39 बॉल्स में 19 रन है, 2 चौके मारे इन्होंने आज, लगे हुए पूरी मेहनत करके फिर आउट होके चले गए। बट मुझे कोई ये समझा दे कौन सी पर्ची पे खेल रहे सूर्य कुमार यादव, किस बेसिस पे वो आदमी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, सिर्फ इस सोच के एक ना एक दिन जिताएगा, वो एक ना एक दिन कब आएगा, कब आएगा वो एक ना एक दिन, जब ह्यूमैनिटी शिफ्ट कर रही होगी चांद पे कि यहां पे रिसोर्सेस खत्म हो गए आओ किसी और प्लेनेट पे चले, तब आएगा वो एक दिन। 24 बॉल में 26 रन है सूर्य कुमार यादव, ये भी गनीमत है, गनीमत है, ये कई बार बचने के बाद इतनी बार बचे हैं, ये इतनी बार कभी बोल्ड होते हुए बचे, कैच ड्रॉप हुई है, स्टंपिंग एक सेकंड मतलब इतने इंच से बची है, स्वीप ही करे जा रहा है, स्वीप ही करे जा रहा है, भाई क्या हो गया आपको, जब से आए क्रीज पे जल्दीबाजी जल्दीबाजी, भाई ये वनडे इंटरनेशनल इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही कि यू आर प्लेइंग वनडे इंटरनेशनल नॉट T20। सूर्य द ग्रेट सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20।
तो गाइस आपने इंटरमीडिएट का रिएक्शन देखा अबाउट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के हवाले से। तो बांग्लादेश ने जो है वो इंडिया को 6 रन से शिकस्त दे दिए, 265 रन का टारगेट दिया था, लेकिन इंडियन टीम जो 259 रन ही बना सकी। तो एक शर्मनाक शिकस्त थे इंडिया के लिए, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज सब फ्लॉप हो गए अगेंस्ट बांग्लादेश। तो गाइस आपने इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट।